दोस्तों आज की कहानी है बहू अरे दो ही रोटियां तो खाते हैं वो भी न खाए क्या। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मीता खाना बन गया क्या? बड़ी जोर की भूख लगी है। बन गया हो तो हमारे लिए खाना लगा दो। मालती देवी ने अपनी बहू मीना से कहा। जी अम्मा जी बन ही गया। समझिए अभी थोड़ी देर में लगा भी दूंगी। मीना ने इम्तिहान से उतर दिया। उसने सोचा अभी दो घंटे पहले ही तो नाश्ता किया था तो ये कैसा जवाब है। बहू बन गया है तो कहो हाँ अम्मा जी बन गया और अगर नहीं बना तो साफ साफ कह दो अभी नहीं बनाया। सीधे सीधे बता दिया करो मुझे ये आधी अधूरी बातें कतई अच्छी नहीं लगती समझी। हमारी तो आदत ही नहीं है घुमा फिरा कर बात करने की। मालती देवी देर तक बड़बड़ाती रही तो उनके पति अमर से न रह गया। वो ने पूछ ही लिया क्या हुआ भाग्यवान भूख लगी है क्या? आज नाश्ता नहीं किया या व्रत रखा है? मेरे नाम का व्रत रखे मेरे दुश्मन और ये क्या नाश्ता नहीं किया? नाश्ता नहीं किया लगा रखा है बहू तो बहू तुम्हारी आंखों में भी। नाश्ता करना काटो सा खटकता है घर के सब लोग थाली भर भर कर खावे वो न दिखे। देखिए तो हमारा नाश्ता खाना दूध दही और घी मिठाई। पति देव ने उन्हें सिढ़ाने के लिए कहा। अच्छा अच्छा दूध दही घी मिठाई अरे दो ही रोटी तो खाते हैं वो भी न खाए क्या? बाकी लोग खाने में तीन चार रोटियां डकार जाते वो नहीं दिखता। हमारी दो रोटियां बड़ी अखर जाती हैं। गुस्से और भूख से मालती देवी की सेफ्टी वाला उड़ गया। तब तक बहू मीना ने आवाज़ लगा दी अम्मा जी आ जाइए आपकी थाली लगा दी है आती हूँ मीना। मालती देवी खाना खाने बैठी ही थी कि मीना के ससुर अमर ने मीना से अपनी थाली लगाने को कहा और साथ में ये भी कह दिया मीना अपनी सासू माँ को अच्छी तरह से खाना खिलाया करो बेसारी दो ही रोटियां तो खाती हैं। आइए अलग बात है कि दो दो रोटियां करके दिन में चार बार खा लेती हैं हमारा तुम्हारा क्या है? हम तो एक बार में ही दो तीन रोटियां तक भकोस लेते समझ गई ना बेटा। पति देव की बात सुनकर मालती देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया पर वह ने बड़े धैर्य से अपना खाना समाप्त किया। आखिर लड़ने के लिए ताकत की भी तो जरूरत पड़ती ही है। नाश्ते से प्राप्त शक्ति तो पहली सुबह के वाद विवाद में ही निपट गई थी। अभी इस महायुद्ध के लिए भी तो ताकत चाहिए थी। उन्हें सुख देखकर पति देव को सेन कहा आखिर उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन पत्नी संग विवाह। अरे अरे नहीं विवादी तो था। सुवर ने बड़े प्यार से मालती देवी से पूछा दो रोटियां और दूध दे दो क्या? बस उसके बाद